फाड़ू के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे ऑन सोनी लीग पे आ रहे 9 दिसंबर को? फर्स्टली व्हाट डू यू वांट टू से? फर्स्टली तो यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ 9 दिसंबर को आ रहे हैं सोनी लिव पर, प्लीज़ देखिएगा, और अगर नहीं देखा तो पहले जगह टीज़र देखो और फिर शो आएगा 9 दिसंबर को, तो शो भी देखना। और क्या कहना चाहेंगे आप? फाड़ू एक ऐसी स्टोरी है जो हमारे दिल की बहुत करीब है, हमने बहुत मेहनत की है उस पर, एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ शो। साइमी और पवेल का बहुत अच्छा कैरेक्टर्स हैं, अभय और मंजरी और अभिलाष का भी रोल, रॉक्सी जो आपने देखा, तीनों के लुक बहुत अलग है। ये एक स्टोरी जो आज की जनरेशन के लिए है, जो जो फियरलेस है और जो जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है। ये आपकी भी कहानी है, मेरी भी कहानी है, बल्कि नहीं, मैं थोड़ी ओल्ड हो गई हूँ, इनकी कहानी है। और बहुत ही सच्चा शो है, बहुत प्यारा शो है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आई थिंक हम सब कह सकते हैं कि ऐसा शो इंडिया में अभी तक बना नहीं है, एंड इट बी अ वेरी वेरी डिफरेंट शो फॉर द ऑडियंसेस टू वॉच। मैम, आपसे हमने सुना है कि आप हमेशा अलग अलग कॉन्सेप्ट लाने की ट्राई करती हो, सो ये सोच कहाँ से आती है, कहाँ से इंस्पायर होती हो आप कि अब कुछ अलग कॉन्सेप्ट लोगों तक जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप एक स्टोरी टेलर के नाते आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अलग तरीके की स्टोरीज बताएं, और मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमको बहुत जल्दी टैग किया जाता है कि अगर आपने एक तरह की स्टोरीज बोली तो आपको ऐसे ही स्क्रिप्ट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग बोलेंगे कि आप ऐसे ही स्क्रिप्ट बना सकते हो, और मुझे वो नहीं करना है। मुझे अलग अलग स्टोरीज बतानी है जो कहीं दिल को इंस्पायर करे, एस्पायर करे एक यंगर जनरेशन को, और अलग हो, वो बस वही है काम मेरा। तीन टीज़र देखने को मिले हमें, इसमें इसके पीछे का रीज़न जानना है। तीन टीज़र? अच्छा अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो कि हमेशा एक ट्रेलर देखते हैं, यहाँ पे आपने तीन टीज़र देखी। वो एक्चुअली क्योंकि ये एक वेब शो है और इस शो में माल बहुत है ये एक वेब सीरीज़ है और एक वेब सीरीज़ है और बहुत सारे किरदार हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ट्रैक्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे अलग अलग कहानी बताने के लिए। तो हमको पूरा सब कुछ साथ में नहीं बताना है, पर हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बतानी है, लाइक अ टीज़र, कि आप टीज़ कर रहे हो और आप बता रहे हो एक ग्लिम्स, और फिर हम लोग आएंगे शो देखने होपफुली। या सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, और आपसे ये भी सुना है कि आपको लगता है कि पहले आप भी इस कैरेक्टर ऐसे इस तरह के कैरेक्टर करने के लिए नहीं थे, आपको लगता है कि इस कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर आप नहीं कर सकते थे, बट आपने ये किया इसमें? नहीं सर, मुझे नहीं लगता था, आई थिंक पूरी दुनिया को लगता था, क्योंकि जैसे मैम कह रही थी कि एवरीबडी गेट्स अ लिटिल स्टीरियोटाइप, चाहे वो डायरेक्टर्स हो एक्टर्स हो, एक्टर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ दोबारा में भी यही हुआ था कि किसी को नहीं लगा था कि कोई मैं पुलिस वाला प्ले कर सकता हूँ, बट अनुराग का शिफ्ट होकर चांस ऑन मी। इस फाड़ू के साथ भी यही हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँगा या मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, क्योंकि हर एक्टर बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है एंड सब कुछ करना चाहता है, चाहे वो फिट हो ना या ना हो, बट अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देता है। आई थिंक मैम के पास वो विजन था to put me in a character like this. Very thankful, very grateful, क्योंकि मुझे बहुत ही मैं बहुत grow किया हूँ इस character से, not just actor के तहत, but as a human being के तहत, तो I'm very grateful and thankful for that. एक्सपीरियंस तो बिल्कुल फाड़ू रहा है, क्योंकि पर मेरा जो कैरेक्टर है कोंकण से है, महाराष्ट्र लड़की का कैरेक्टर है, बहुत रूटेड है, बहुत पोएट्री बहुत पसंद है, मुंबई आती है, अभय दुबे जो बहुत ही ऑनेस्ट कैरेक्टर है, जो जैसे आपने पिछले टीजर में देखा, वो उनका जो मोनोलॉग है वो सुन के बिल्कुल शी फॉल्स इन लव विद हिम फ्लैट एंड मुंह पे ही गिर जाती है, सब दांत वात टूट जाते हैं। फिर देन इट्स बेसिकली अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट इनके रिलेशनशिप में, जैसे अभय गोज अ डिफरेंट वे और मंजरी उसकी एंकर रही है पूरे शो में,
तो बहुत मज़ा आया. एंड जैसे पवेल ने कहा, आई विल ऑल्सो ऑलवेज एंड फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू अश्विनी मैम फॉर गिविंग मी मंजुरीज कैरेक्टर. आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में जाना चाहेंगे, आप दोनों की नोकझोंक मस्ती हमेशा होती रहती है. हम बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, बिल्कुल उसका मुंह फोड़ने का मन करता है. मुझे ये पसंद नहीं है और इसको मैं पसंद नहीं हूँ. तो हम जब भी हमें जब भी बात करनी होती थी मैम के थ्रू बात करते थे, इसलिए मैम बीच में बैठते हैं और हाँ. कहते हैं कि अभी नहीं तो किसी का मुंह फूट जाएगा. हाँ, ऑफ कैमरा की ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं मिलते तो ऑफ कैमरा क्यों मिलेंगे? ऑन कैमरा तो फिर वो तो करना पड़ता था, बिकॉज दिखाने पड़ते थे क्योंकि. हाँ, बट ऐसे कुछ है नहीं, बट टू कीप दैट असाइड, बंदी तो अच्छी है ना, बात कर लेनी चाहिए इससे. शी स्वीट है. नेक्स्ट सीजन में करते हैं, नेक्स्ट सीजन में करेंगे. काफी अच्छे सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पिछले कुछ किरदारों को काफी ज्यादा सराहा गया है, तो जैसे पिछले किरदारों को सराहा जाता है तो आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी, आपके ऊपर किसी की रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि ऑडियंस को उससे कुछ ज्यादा दे, तो इसमें आपका कैसा किरदार है? सर मुझे लगता है मतलब ज़्यादा नहीं, अलग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 100% होती है, क्योंकि जो आप एक चीज़ प्ले करते हैं उसी तरह का किरदार, वो उसी तरह के किरदार यूजुअली आते हैं, क्योंकि लोग आपको उसी स्पेस में देख रहे होते हैं. तो अगर आप एक विलन का पार्ट प्ले करते हैं तो फिर आपको सब विलन 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 उसी तरह के पार्ट मिलने लगते हैं. एक विलन जब एसके का पार्ट था तो उस तरह के बहुत सारे पार्ट्स आने शुरू हुए. पर हाँ, वो आपका कॉल होता है कि आप किस तरह की कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, किस तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं. यहाँ दोनों चीज़ें बहुत कमाल थी, कहानी बहुत कमाल थी सौम्य सर की, और अश्विनी मैम का नाम तो सुन के मतलब वो था कि यार ये तो करेंगे ही करेंगे. तो कहानी और डायरेक्टर, जब आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन आता है तो आप अलग तरह के किरदार करने के लिए वैसे ही एज एन एक्टर एक्साइटेड रहते हैं, पार्ट मिलता है तो आपका. मैम आपसे जानना चाहेंगे, OTT में लोगों को जमा करके रखना, उन लोग एक साथ पूरी एपिसोड देखे, पूरी सीजन देखे, ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप बिग स्क्रीन की मूवी बनाती हो वो 2 घंटे की होती है और OTT में टाइम लिमिट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी डिफरेंस जानना चाहेंगे आप? एक बहुत अलग चीज़ होता है, क्योंकि आप जिस तरह से देखते हो उसका डायरेक्शन और जो आप कहना चाहते हो उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप 8 घंटे बोल रहे हो यहाँ पे या 6 घंटे बोल रहे हो, और अब जब थिएट्रिकल करते हैं आप 2 घंटे 20 मिनट के लिए, 2 घंटे 20 मिनट 30 मिनट के लिए काम करते हो. तो एक चीज़ तो ये है कि आपके एडिट बहुत टाइट होना चाहिए, आप क्योंकि स्टॉप बटन और फॉरवर्ड बटन होता है जब आप आपके कंप्यूटर्स या आपके फ़ोन्स पे या आप टीवी पे देखते हो जो सुविधा है आपके पास, तो वो बहुत आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा कि आप कैसे आपका एडिट कर रहे हैं और म्यूज़िक, और आप कितने आपके कैरेक्टर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं आपके ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस जब देखती है आप सिंगल व्यूइंग भी देख सकते हो, कलेक्टिव व्यूइंग भी होती है, पर सिंगल व्यूइंग ज़्यादातर होता है जब आप अकेले देखते हो वेब सीरीज़, या साथ में 2-3 लोग रहेंगे बट यूजुअली आप अकेले देखते हो. तो अकेले देखते हो तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपके कैरेक्टर्स जो देख रहे हैं उसे कनेक्ट करें, सो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. आगे किस तरह का कॉन्सेप्ट लाना चाहोगे? फाडू 2 में फाडू 2 होगा, सौम्या जोशी सर लिख रहे हैं. वाह, और देखेंगे क्या होगा, पहले तो ये हो जाए, इसके बाद ये तो बहुत दूर का सोच है, पहले ये हो जाए. आगे मैंने जियो स्टूडियोज़ के साथ एक बहुत बड़ी थिएट्रिकल फिल्म साइन किया. आप लोगों की अपकमिंग जानना चाहेंगे? पाइपलाइन में सर एक बाल्की सर के साथ मेरी फिल्म है घूमर,